कि जब यूपीए की सरकार थी, ए के एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये तय हुआ था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसका मेंटेनेंस का काम दिया जाएगा। मोदी जी ने क्या किया, यहाँ से फ्रांस गए, अपने साथ अनिल अंबानी जी को ले गए। अनिल अंबानी जी की कंपनी जिसको रक्षा सौदा से कोई लेना देना नहीं, डिफेंस के सेक्टर में उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई टेंडर नहीं, कोई परमिट नहीं, उनको 30,000 करोड़ का काम दे दिया। आज नौजवानों के हाथ से रोजगार छीना जा रहा। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार तो छोड़ो, जो डिफेंस की कंपनी जो सालों साल से इंडिया में सारे डिफेंस के प्रोक्योरमेंट का काम करती है, डिफेंस का को सप्लाई करती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर आज उस कंपनी को काम मिलता तो हमारे देश के नौजवानों को काम मिलता, गरीबों को काम मिलता, मजदूरों को काम मिलता, छात्रों को काम मिलता, बट वो काम उन्होंने उठा के अंबानी जी को दे दिया। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इस पे कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी ने एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जा जाके लोगों को जन जागरण का काम कर रहे हैं, जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, हम लोग इसमें लोकल से मिल रहे हैं, मीडिया के लोगों से मिल रहे हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ के लोगों से मिल रहे हैं, सबको हम लोग जन जागरण का काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा किस तरीके से इन दिनों आपने भी कल, अगर कल का टीवी आप उठा के देखें, कल के टीवी में आपने देखा कि आखिर विजय माल्या ने ये स्वीकार किया कि जब से सरकार आए जो चौकीदार अपने आप को कहते थे, किस तरीके से चौकीदार के रहते रहते विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, और वो कहते हैं कि मैं जाने के पहले वित्त मंत्री जी से मिल के गया और उनके नॉलेज में था। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला है, इस सब की जांच होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक मेमोरेंडम डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को सबमिट किया है, और सरकार की विफलताओं को 4.5 साल हो गया, न कहीं रोजगार है, न कहीं अच्छे दिन है, न कहीं पर शिक्षा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विद्यार्थी परेशान हैं, सारे देश में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ, लेकिन सरकार के काम पे जू नहीं रहे हैं। हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के साथ हमारा एक विस्तृत चर्चा हुआ कि किस तरीके से हम लोग ब्लॉक पे ले जाएंगे, ब्लॉक स्तर के बाद हम लोग इसको बूथ स्तर पे ले जाएंगे, इन इश्यूज को, पेट्रोल डीजल और गैस की जो कीमत बढ़ी हुई है, महंगाई के खिलाफ हम लोग करेंगे। तो इन सारे मुद्दों को, क्योंकि ये सब जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हमेशा जनता और गरीबों की बात करती है, आम आदमी की बात करती है, उनके लिए हम लोग लड़ते हैं। ये बीजेपी ने कब कैंपेन शुरू कर रहा है, कांग्रेस पर क्या एनआरसी पे हमारा बहुत अच्छा स्टैंड रहा है। एनआरसी का 90% काम कांग्रेस के समय में हुआ, लेकिन सरकार ने क्या किया, आज नेपाली भाइयों के साथ उन्होंने क्या किया, उनके पास उनकी नागरिकता है, अब उनको फिर से आप लाइन में लगा के खड़ा करना चाह रहे हैं, उनको एक तरीके से आप बेइज्जत करना चाहते हैं, उनको एक तरीके से हैरेस करना चाहते हैं कि आप अपनी नागरिकता फिर से साबित करें, कितने दुख की बात है। असम में क्या किया शुरू करेंगे, हम लोग करेंगे, जन जागरण करेंगे, हम लोग लोगों को बताएं असम में क्या किया आपने, 40 लाख लोगों को आपने बेघर किया, और उसमें से बहुत सारे लोग 14-15 लाख उत्तर प्रदेश बिहार और गार्डन के लोग थे, शंकर गोरखा 1 लाख गोरखा, उन भाइयों को क्यों परेशान कर रहे हो, सबके पास राशन कार्ड है, सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास वोटर कार्ड है, जो जिनको आपको बाहर करना था, जो 1,000, 2,000, 4,000 लोग थे, उनको आपने नहीं आइडेंटिफाई किया। आज नेक्स्ट इलेक्शन है, दार्जिलिंग से कुछ जैसे आज आप लोग ने क्या डीएम से अपॉइंटमेंट लिए थे, और डीएम से अपॉइंटमेंट लिया था, मालाकार जी हमारे माननीय विधायक हैं, दारबू जी हमारे माननीय एक्स एमपी रहे हैं, ये लोग आपको लुक टीएमसी और बीजेपी टीएमसी और कांग्रेस का नहीं मिला।